पाकिस्तान में मैंने देखा हमारे फील्डर्स पाँव में बॉल गिर जाता है, एक एक फुट सिर्फ पाँव के टो से 1-1.5 फुट भी गिर जाता है हाई कैच, और डाइव नहीं मार सकते इसे कि वो पोजीशन में नहीं होते। तो मेरा कहने का मतलब है दे आर नॉट बीइंग टॉट प्रॉपरली, एक चीज़ इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ठीक है, जब तक गोरे लोगों से आप ज़्यादा इम्प्रेस हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें पाकिस्तान का नुकसान भी है। और लेकिन ये कि वो आके लोगों की पता नहीं क्या खुशामदें करते हैं या उनको क्या एडवांटेज देते हैं, तो वो आके इस तरह के लोग आके, जबकि आपके पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक बैट्समैन बॉलर फील्डर और इस तरह के लोग हैं, लेकिन बट ऑल सेड एंड डन पाकिस्तान की एक रीजनेबल अच्छी टीम है, लेकिन फ्लक्चुएशन जो कंसिस्टेंसी लेवल जो है वो नहीं है। अगर दुनिया की बेस्ट टीम एक दिन अगर एक टेस्ट मैच में 18 कैचेस कर लेती है तो टेस्ट मैच जीत जाती है, लेकिन दूसरे मैचों में अगर वही 2 क्रूशल मोमेंट पर कैच छूट जाए तो मैच हाथ से निकल जाता है। तो उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं या किन चीज़ों के ऊपर इम्पोर्टेंस ज़्यादा देनी चाहिए, वो पाकिस्तान के प्लेयरों को भी सोचना पड़ेगा और शायद पीसीबी को भी। टाइम कंज्यूमिंग, तो ये क्रिकेट एक वाहिद ऐसा गेम है कि सबसे स्लोएस्ट लर्निंग प्रोसेस है ये, आप 1 घंटा लगाया और आप उसमें बहुत चीज़ें सीख गए, ऐसा नहीं होता। अगर आपको फील्डिंग अच्छी करनी है या बैटिंग या बॉलिंग भी, लेकिन स्पेशली फील्डिंग, तो आपको फिटनेस लेवल ऑप्टिमम लेवल का चाहिए। कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा देने हैं और किस पे कम टाइम देना है, वो आपको पता होना चाहिए क्या है क्या। और फिर सबसे बड़ी बात, गलत तरीके से थ्रो करना या डाइव मारना, उससे इंजरी का खतरा होता है। तो आपको कंप्लीट नो हाउ होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए आप जितना जल्दी आप गुड लर्नर हैं तो कम टाइम में आप सीख जाएंगे, लेकिन आपको जब सही चीज़ें सिखाई जाएंगी जब आप सही सीखेंगे। गद्दर डाल के आप ग्राउंड के ऊपर अगर डाइवे मारने का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, सुबह दोपहर शाम करें, लेकिन उससे जब जिस दिन गद्दा नहीं होगा, जो कि एक क्रिकेट फील्ड के अंदर वो प्रोवाइड नहीं होगा, तो फिर आप हेजिटेंट होंगे, नेगेटिव थॉट आएगी कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए और इतनी देर में वो आपके हाथ से बॉल निकल जाएगी। तो यह है कि आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि कौन से लोगों से आप सीखें, शौक भी आप बढ़ाएं, और फिटनेस लेवल जब आपका 200% होगा, जब आप मेंटली 100% जाके फिट होते हैं, तो आप आपके ऊपर है कि कितना टाइम आप ग्राउंड में देना चाहते हैं।